Hi everyone, welcome back to my channel, welcome back to a new vlog. Vlog आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगता है तो please share and subscribe my channel if you are not yet. तो चलिए vlog की शुरुआत करते हैं. स्कूबी बाबू को आराम खाना बहुत पसंद आया है. यानी संडे टाइम होता है स्कूबी बाबू का आराम खाने का, बट संडे तो नहीं हुआ था तो मंडे में कर रही हूँ. स्कूबी बाबू इस तरीके से गोदी में बैठे हुए एंड उसका जो हेयर है उसी को कोम करना पड़ता है. छोटे डॉग का ज़्यादा खाने पीने का खर्च नहीं होता है, लेकिन इनका ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा खर्च आता है. तो आप छोटा डॉग लेना चाहते हो तो इस बारे में आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए. संडे 7:30 बजे से वीडियो स्टार्ट हुआ था, मंडे 2 AM खत्म हो रहा है. तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड. सी यू सून, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय. तो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया, दैट इज़ किचन का जो मेकओवर मैंने किया है, देखो थोड़ा सा ही पैसा मैंने खर्च किया है, थोड़ा बहुत मेहनत मैंने लगाया एंड इसके बदले में मेरा रेंटेड हाउस का किचन का जो नया लुक आया है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड यहाँ पर कुछ काम बाकी है जो ऑब्वियसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करती रहूँगी. जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे शेयरिंग मेरा रहेगा. जो प्लानिंग मैं बता रही हूँ वो मैंने म्यूट दिया, क्योंकि जब करूंगी तभी मैं अपने साथ शेयर करूंगी. तो जो भी हो, रात का बर्तन धो के फिर सोने में मुझे 2:30 से 3 बज चुके थे. हाँ, फॉर्मली वीडियो को मैं 2 बजे फिनिश करी थी. अब मंडे मॉर्निंग है, स्कूबी बाबू को बाहर जाना है एंड थोड़ा बाहर में ठंडा है. रिबू का तबीयत का भी इशू तो रहता ही है बिकॉज उसको अस्थमा है. मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. स्कूबी बाबू यहाँ पर इंतज़ार में लगे हुए हैं. बाबा आएगा, डैडी आएंगे एंड रेडी होके फिर उनको लेके जाएंगे. एंड रिबू का ना पैर में थोड़ा बहुत मोच आया है तो अभी उसको थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा, नहीं तो उसको भी जाएगा किसके साथ. मैं उसको मैनेज नहीं कर पाती हूँ, मेरे भी हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है. तो टाटा स्कूबी बाबू. ये है हमारा घर का मॉर्निंग वाइब. चलिए मैं दिखा देती हूँ किचन कैसा लग रहा है. कल रात को जो मैंने मेहनत किया है उसका क्या नज़ारा सुबह उठने के बाद मुझे दिख रहा है. ये सब आप खाली दिख रहे हो, वहाँ पे रैक मैंने सेट करके सोया था एंड सब चीज़ें मैंने सजा दी थी. खाली स्कूबी का चिकन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है अभी तक मॉर्निंग में, सो दैट मैं किचन वाइब आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊंगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ऊपर से ना कोई भी बर्तन रखो, कोई भी थोड़ा सा पानी गिर जाए इसके ऊपर पड़ता है बोल के इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है. सो दैट फंगस जो है ना डायरेक्टली किचन कैबिनेट को अट्रैक्ट ना करे, पानी ना जमे एंड पानी गिर जाए. सो दैट मैं इसमें भी मेरे को मेंटेनेंस में सुविधा होगी. अब चलिए थोड़ा गार्डन में मैं आप लोगों को ले जाती हूँ. मैं बालकनी गार्डनिंग करती हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं शेयर करती हूँ. एंड कल मैंने बालकनी के लिए कुछ टिप्स जो है अपनाए थे मेरे प्लांट्स के लिए एंड देखो आज उसका रिजल्ट कैसा दिख रहा है. फ्लावरिंग तो आप लोगों को दिख ही रही है हिबिस्कस में एंड आप देख सकते हो इसमें कोई भी आपको पेस्ट एंड फंगस नहीं दिखेंगे. प्लांट्स बहुत अच्छे से स्वस्थ हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम थे सब चले गए हैं. तो इस तरीके से गार्डनिंग के लिए मैं डेडिकेटेड ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. जो लोग बालकनी गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है आप लोग मेरे ब्लॉग में नज़र रखिए. मैं अच्छे से कैसे कर सकते हैं गार्डनिंग बालकनी में वो मैं शेयर करूंगी. आई होप आप लोगों कितना भी चैनल देखते हो मेरा वो वीडियो देखने के बाद आपके प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा ही देगा, उसका गारंटी मैं लेती हूँ. अभी देखो सब कुछ दिखने में कितना अच्छा लग रहा है. ये फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर, पौधुला का सब कुछ खिल रहे हैं क्योंकि बेंगलोर से लगभग लगभग बारिश मुझे जो लग रहा है चले गए हैं. अभी वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत धूप भी बालकनी में आ रहे हैं. तो सीजन के अनुसार प्लांट्स में चेंजेस दिखते हैं एंड उसके साथ कैसे लड़ते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं वो मैं आप लोगों को डेडिकेट ब्लॉग में दिखाऊंगी. अभी देखो ये फ्लावर दिखने में कितना अच्छा लग रहा है. तो चलिए सुबह सुबह सारे काम कंप्लीट करते हुए मैं को किचन में भी तो जाना है एज एन हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉग ओनर. तो चलिए चलते हैं. मेस्टअप मतलब नॉन ऑर्गेनाइज्ड, अनइवन साइज ऑफ डब्बास. तो ये भी वही है बटेला चौपाई थी. इसमें आपका ऑर्गेनाइज्ड भी है एंड बहुत क्वांटिटी में सामान जो है भर जाते हैं. घर चलाने के लिए ना जाने कितना कुछ जरूरी है, तो इसलिए मैंने और एक ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया था जिसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1787 है, बट इसमें ना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिले हैं. आई नो
कभी कभी अमेजोन डील देता है तो उसमें मिलता है। चलो इसको ओपन अप करते हैं, फिर देखते हैं। हमारे घर का मेन प्रॉब्लम यही है कि नॉइज इतना ज़्यादा है, हवा इतना ज़्यादा है कि मेरा जो साउंड है वो क्वालिटी पूरा हवा में उड़ जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अनइवन जो डब्बास मेरे किचन में है उनको मैं इवन डब्बास में कन्वर्ट कर दूंगी, सो दैट किचन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसा ब्लॉग में मैंने एक बार आप लोगों से शेयर किया है, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए आई बटन में लिंक रहेगा। तो इस तरीके का डब्बा मैंने ऑर्डर किया है। थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है ये डब्बा, जैसे कि 1300 सारे डब्बे को 1300 समथिंग में मैंने इस डब्बे को ख़रीदा था, 1700 इनका प्रिंटिंग प्राइस है। तो जो भी हो, पहला जो कंपनी से मैंने ऑर्डर किया था उसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2 महीने में बार बार धोने के बाद भी उनसे बदबू जो है जाते नहीं है। एंड इस सिंगोरा का मैंने जो ऑर्डर किया है तो इसमें जो है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो सकता है, मैं लिंक दे दूंगी। इसमें जो है कोई ऑर्डर नहीं है। एंड ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है, इनका जो ऊपर का ढक्कन है वो अच्छे से लग रहा है, एंड इनका क्वालिटी मुझे प्रीवियस डब्बे से अच्छा लगा है। तो इस तरीके का डब्बा आप ख़रीद सकते हो। पहले वाला व्लॉग में मैंने कोई लिंक नहीं दिया था बिकॉज वो डब्बे इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन वो काम का है तो इसलिए मैं रख चुकी हूँ। एंड ये डब्बा जो है मुझे बहुत अच्छे लगे हैं क्वालिटी में, सो दैट मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो अमेजोन डील में इससे कम प्राइस में भी शायद आपको मिल सकता है। 1279 रुपीज़ पड़ा, 1279, समझ सकते हो 1300 प्राइस था 1787, बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ये हिमाचल प्रदेश से आया है। ये जो क्वालिटी है जो मैंने पहले लिया था, इसका स्मेल बहुत बैड है, स्पेशली ये वाला बहुत बैड स्मेली, क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ये वाला कभी नहीं लेना। लोगों ने शेयर किया था कि हाँ ऊपर का प्लास्टिक अच्छा नहीं है ये सब था, लेकिन इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है। 2 महीने होने को आया फिर भी स्मेल नहीं है। तो दिस आर बैड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग दिस वन इज़ वेरी बैड। एंड और एक प्रॉब्लम क्या है, देखो एक्स्ट्रा लीड तो दिए थे बट ये सारे ही लीड कुछ नहीं है, अब लीड चला गया है, लीड का प्रॉब्लम हो गया है। एक्स्ट्रा दिए थे फिर भी वो सारे ही खराब हो गए, तो वो नहीं लेना। मुझे ये क्वालिटी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोपहर के खाना खाने के बाद मैं गार्डनिंग के काम में लग जाती हूँ। एज़ यूजुअल मंडे मैंने और कोई वीडियो आप लोगों के लिए शूट नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एडिटिंग कर रही थी आप लोगों के लिए, जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज है ट्यूसडे मॉर्निंग में मैं गई थी ऊपर, क्योंकि संडे मैंने इनको वाटरिंग किया था, मंडे नहीं किया था। तो प्लांट्स सारे सूख गए हैं एंड ऑब्वियसली इनको धूप मिल रहा है, तो प्लांट के ग्रोथ भी मुझे ज़्यादा मिल रहा है। एंड इसमें मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ खाद का दिया नहीं, क्योंकि गर्मी या धूप ये सब पड़ते ही प्लांट्स क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग खाना है उसको खाने की कोशिश करेगा। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाएगा मुझे समझ में आएगा, फिर से मैं इनके लिए खाद का इंतज़ाम करूँगी। जो मैं इनके लिए करती हूँ दैट इज़ मैं कुछ फ्रूट्स एंड सब्जी का वाटर मैं हमेशा ही प्लांट्स में ऐड करती जाती हूँ, सो दैट प्लांट्स का जो रेगुलर के बेसिस पे लिक्विड फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है वो मैं कम क्वांटिटी में एंड इजी वे में उनको दे पाऊँ। तो इस तरीके से पौष्टिक आहार मैं उनको पहुँचाती हूँ। खुद के लिए भी थोड़ा बहुत आलू नहीं था घर पर, वो भी लाती हूँ। एंड इसके बाद जो मेरा पसंदीदा काम है, जो 24/7 मुझे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और जो मुझे करने में पसंद है दैट इज प्लांट्स केयर। ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है, आप देख सकते हो इस तरीके से स्पाइडर प्लांट जो है ग्रो करे है एंड उसको मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये है ट्यूसडे का वीडियो। कोई भी अच्छा खाना घर पे इतना अच्छा नहीं बने थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़े बहुत जो है बॉयल सब्जी ये सब खा के ही हमारा दिन चल रहा है। क्यों चल रहा है, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज मैं पसंदीदा काम कर रही हूँ, इनका जो है रिपोर्टिंग मैं कर रही हूँ। सब कुछ प्लांट्स के लिए अलग अलग शॉर्ट्स या वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं डेली लाइफ में थोड़ा बहुत झलकिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थर्सडे में एकदम प्योर वेज विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक चिली सोयाबीन, बहुत अच्छा टेक्स्चर आया है, दिखने में भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके साथ थोड़ा सा पालक पनीर है जो कि लेफ्ट ओवर है, वो चल जाएगा। पनीर फ्राई करके रखी थी, आलू परवल देके बनाऊंगी बल्कि, लेकिन तीनों बच चुके हैं। एंड उसके साथ साथ पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। तो ये है वेज रेसिपी आज खाने के लिए, लेकिन 3 बजे है एज यूजुअल।
रिबू क्या कर रहा है? रिबू मीटिंग कर रहा है। एंड किचन देखो दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? एकदम अच्छा लग रहा है ना, एकदम फंक्शनल। मैं काम ही कर रही थी, मुझे लगा खाना शेयर करूँ, फिर लगा कि चिकन, सॉरी चिकन नहीं, किचन शेयर। तो इस तरीके से हो गया, अच्छा लग रहा है अभी खाना बनाने। स्पेशली ये बैक स्प्लैश जो मैंने बनाया बहुत अच्छा है, इसके ऊपर एक बॉर्डर जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से चल रहा है। सो ये है सिंपल लुक किचन का, ये सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर थर्ड पार्ट होगा जो कि डेकोरेशन होगा। तो चलिए आप लोगों से शेयर करते हूँ, यहाँ पे सैकुलेंट भी ग्रो हो जाते हैं। एंड इस तरीके से कुकिंग स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा मिला है, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिला है, और यहाँ पे बर्तन धोके भी रहता है जो धोके जाती है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस, यू सो पॉसिबल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।